इंटरनल मास इजेक्शन CMI, उसकी सतह से ऊर्जा की शक्तिशाली उत्सर्जन होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं और औरों की तरह औरों और भूकंपीय तूफानों जैसे घटनाएं पैदा कर सकते हैं। सूर्य अपने धुरा पर घूमता है औसतन प्रत्येक 37 दिनों में एक पूर्ण घूमना पूरा करता है जिसका केंद्रीय भूमध्य के निकट और उसके ध्रुवों के पास धीमा होता है। 7. सौर ऊर्जा सौर पैनल जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हार्नेस की जा सकती है जो पृथ्वी पर विभिन्न उपयोगों के लिए एक पुनर्चक्रित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल स्रोत प्रदान करती है। 8. सूर्य की ऊर्जा उत्पादन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है और अनुमान है कि लगभग 5 अरब वर्षों के बाद यह अपने विकास के लाल विशाल चरण में प्रवेश करेगा जिसमें यह पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को लगभग समाहित करेगा।